अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को खुश रखे, आबाद रखें और हमारा मुल्क इसी तरह की करे। और ये हम सबको हमारे बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है जो आज हम ये पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को आबाद रखें और बच्चे भी ये देखें कितने खुश हैं और तैयार होके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आप भी इसी तरह इस दिन को पुरजोश होके मनाया करें। और अल्लाह ताला से दुआ है, जो कश्मीर में लोग हैं इतने यानी कि उन पर जुल्म हो रहे हैं, बच्चों को ऐसे सरेआम कत्ल किया जा रहा है, अल्लाह ताला उनको भी आज़ाद करें उनके मुल्क को, और वो भी ऐसे ही अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क से जो ये कोरोना जैसी वबा है इसको ख़त्म करें। और इस वबा की वजह से इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं, अल्लाह ताला आप सबको ही अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। फ्रेंड्स, इस दिन हर कोई ही बहुत खुश नज़र आ रहा होता है, लोगों ने अपने घरों को बहुत ज़्यादा सजाया होता है और खुशी मनाते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हर एक को खुश रखें, आबाद रखें। और हम भी जा रहे हैं आज अपने भाई के घर, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ। सब भाई और उनके फ्रेंड्स मिलके एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, रात 12 बजे करते हैं, केक कट करते हैं और बहुत ज़्यादा आतिशबाजी होती है। मोहम्मद अली, कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद अली? हम के घर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हैं सर? मामी के घर। खुश हैं? एंजॉय करेंगे। मामू वेट कर रहे हैं। मामू साथ भी सैर करने जाओगे? जी फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं भाई के घर, आप भी इंजॉय करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।